चलें सर, अब आगे बढ़ते हैं। रीबूटिंग प्रजम्पशन का क्या हिसाब किताब है सर? यहाँ पे ये हिसाब किताब है, देखें, अगर जैसे फादर एंड सन ने या जो भी ऊपर रिलेशनशिप हमने पढ़ी, वो रिलेशनशिप जिसके अंदर सर आपका जो है ना अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज हो सकता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस कवर हो रहा होगा, ठीक है ना, जिसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकती है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा ऊपर सर फियोंसे फियोंसे वाला, सॉलिसिटर क्लाइंट का पढ़ा, फादर एंड सन का पढ़ा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का पढ़ा, डॉक्टर पेशेंट का पढ़ा। तो सर इसी तरीके से अगर बाप जो है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज कर सकता है बेटे के लिए, और उसके ब्याह पे उसको बिना बता के, उसने बिना बता के उसको सर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसका उस पर डोमिनेंट पोजीशन के, मैं इसका बाप हूँ, मैं इसके ब्याह पे कर सकता हूँ, ये थोड़ी मुझे मना करेगा। लेकिन सर अगर ये कोर्ट के अंदर केस जा रहा है और ये प्रूव हो जाए कि जब बाप ने, जब फादर ने सर को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, जब कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त इससे कंसर्न ले रहा था बेटे से, तो सर बेटे को सारी वीकेस्ट पॉइंट बताई थी कि बेटा ये तुम कॉन्ट्रैक्ट कर तो रहे हो लेकिन इसकी वीकेस्ट साइड ये है, इसमें ये नुकसान है, इसके अंदर ये फायदे हैं, सारे डिस्क्लोजर बता दिए थे कि इस कॉन्ट्रैक्ट में हमें ये फायदा होगा, इस कॉन्ट्रैक्ट में हमें ये नुकसान होगा, और जितनी प्राइस मतलब कोई भी हमें कंसीडरेशन मिलेगी वो भी उसको बताई गई थी, ठीक है ना, और मतलब जो भी सारे फैक्ट्स हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस जब काउंट नहीं हो रहा होगा, जबकि इस रिलेशनशिप के अंदर जो भी डोमिनेंट पार्टी है उसने सर वीकर पार्टी को सब कुछ डिस्क्लोज कर दिया कि कितनी प्राइस मिलेगी, हमारा क्या प्रॉमिस होगा, इस कॉन्ट्रैक्ट को हमने ब्रीच कर लिया, ब्रीच मतलब कि हमने अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं की, हमने प्रॉमिस पूरा नहीं किया, तो हमें क्या नुकसान हो सकता है सर, उसके अलावा हमें क्या फायदे होंगे, तो ये सारी चीजें हमने किलो उसको बता दी। और जो जो पार्टी वीकर पार्टी है वो इंडिपेंडेंट है, वो किस चीज में इंडिपेंडेंट है सर? अपना डिसीशन लेने के लिए। जो अगर जैसे बाप ने अपने बेटे को सारी चीजें बता दी और उसको बोला कि आप ना अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से फैसला करें, और जो वीकर पार्टी है उसके पास फुल अथॉरिटी थी, इंडिपेंडेंट थी डिसीजन मेकिंग के लिए, तो सर इन दैट सरकमस्टेंसेस कोर्ट यहाँ पे अंडू इन्फ्लुएंस नहीं दिया जा सकता। हाँ, अब सर कोर्ट जब फैसला करती है, जब ये सारी बातें प्रूव हो जाती हैं, तो कोर्ट फैसला करती है या तो बिल्कुल ही अगर अंडू इन्फ्लुएंस में मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वीकर पार्टी होता है, एग्रीड पार्टी होता है, जब वो कोर्ट में लेके जाता है, तो या तो सर अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज होता है, अगर वो प्रूव हो जाता है, तो या तो बिल्कुल ही कोर्ट इसको इनवैलिड कर लेती है, या तो सर अगर कोई बेनिफिट उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस पार्टी ने लिया है उसको बोलती है वापस कर दो, अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर सर कोर्ट जो है ना वो कहती है कि भाई इस कॉन्ट्रैक्ट को चलने दो जैसे चल रहा है, ठीक है ना, ये हिसाब किताब है, ठीक है। तो सर अगर आप ये रिबेटिंग प्रजम्पशन पढ़ लें यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं तो कोर्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना सर, ये वही बातें हैं कोर्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस के डिफरेंशिएट में, ठीक है। तो इसके अंदर बताया जा रहा है कि क्या डिफरेंस है सर, दोनों की डेफिनेशन आ जाएगी जो कि हम ऊपर पढ़ के आए हैं, कि भाई कोर्शन की डेफिनेशन ये है कि एक सामने वाले को धमकी दे के उसके द्वारा ऐसा एक्ट करके जो कि पाकिस्तान पेनल कोड ने मना किया हुआ है सर, उसकी कंसर्न सामने वाले की ले लेना। अनड्यू इन्फ्लुएंस का क्या हिसाब किताब है कि एक पार्टी डोमिनेंट पोजीशन पे, एक पार्टी वीकर पोजीशन पे, अपनी डोमिनेंट पोजीशन का गलत तरीके से, अनफेयर तरीके से यूज करके सामने वाले की कंसर्न ले लेना, तो सर इसको भी क्या बोला जाता है, इसको अनड्यू इन्फ्लुएंस बोला जाता है। कंसर्न दोनों में, उसके अंदर कैसे लिया जाता है धमकी देके, इसके अंदर कैसे लिया जाता है डोमिनेट करके। सर इसमें नेचर ऑफ प्रेशर क्या होता है कोर्शन में? फिजिकल प्रेशर होता है, मारने का, चमाट मार दी, या धमकी के मैं तेरा खून कर दूंगा, या सर बीटिंग कर दी। इसके अंदर जो प्रेशर होता है वो मॉरल प्रेशर होता है, मतलब जहनी प्रेशर इस तरीके है ना। रिलेशनशिप इसके अंदर कोई रिलेशनशिप नहीं होता पार्टीज के अंदर, ठीक है ना। तो सर हो सकता है कि भाई रिलेशनशिप हो पोर्शन के अंदर, हो सकता है रिलेशनशिप हो सकता है रिलेशनशिप ना हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस में 100% रिलेशनशिप होगा, ठीक है ना। तो ये हिसाब किताब है सर, इसके अंदर रिलेशनशिप कोर्शन में कोई रिलेशनशिप नहीं होता, हो भी सकता है भाई भाई को भी धमकी दे सकता है, छोटे भाई ने धमकी दे दी मैं तुझे तो मार दूंगा ये इस तरीके से, तू मुझे कोई भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में। और सर इसके अंदर जो होता है 100% रिलेशनशिप होती है, कोर्शन के अंदर हो सकता है रिलेशनशिप ना हो, ठीक है ना सर।
दोनों में ऑब्जेक्टिव ये होता है कि भाई सामने वाले को ना कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व करना, सही है ना, कि भाई तू कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हो जा, ठीक है। और इसके अंदर कोर्शन के अंदर क्रिमिनल लाइबिलिटी होती है, क्रिमिनल मतलब जो कि पाकिस्तान पेनल कोड के हिसाब से क्रिमिनल केस मना, क्रिमिनल में एक्टिविटीज आ जाती है, सामने वाले को मारना, उसको सर उसको जमाड़ वमाड़ मार देना, या उसकी बीटिंग करना, या उसको जान से मारने की धमकी देना, ये क्रिमिनल लाइबिलिटी आ जाती है कोर्शन के अंदर, जबकि अंडी इन्फ्लुएंस में क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं होती, ठीक है। सर पार्टी किसको प्रूव करना है सर, के भाई किसके ऊपर ये किया जाता है, किसके ऊपर जो है ना ये कोर्शन किया जाता है सर, यूज किया जाता है सर, जिस पार्टी को आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसकी कंसर्न लेनी है, जिस पार्टी को आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जानबूझ के लेके आना है कि तुझे एक्सेप्ट करना है, उसको धमकी दी जाती है। इसके अंदर अंडी इन्फ्लुएंस किसका यूज किया जाता है, जो सर बेचारी ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व होती है या नहीं होती है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं सर, जो उसका ना अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए, ठीक है ना, हम क्या करते हैं कि भाई ब्लैकमेल करते हैं, तू आ जा, ठीक है ना, बाय बूम। सर कौन करता है कोर्शन के अंदर, स्ट्रेंजर भी कर सकता है, कौन एक्सरसाइज करता है कोर्शन, कौन धमकी दे सकता है, स्ट्रेंजर भी दे सकता है, इसके अंदर जो है कोर्शन के अंदर अपना भी दे सकता है, लेकिन अंडी इन्फ्लुएंस के लिए अंदर स्ट्रेंजर कभी भी अनफेयर एडवांटेज यूज नहीं कर सकता, हमेशा अपना रिश्तेदार ही करेगा। प्रूफ किसको करना होता है सर, दोनों में प्रूफ कोर्शन के अंदर जिसको धमकी मिली वो प्रूफ करेगा, अंडी इन्फ्लुएंस के अंदर वो प्रूफ करेगा भाई के जो है ना जो एग्री पार्टी है वो प्रूफ करेगी। रेस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट क्वेश्चन के अंदर सर, जो पार्टी एग्री पार्टी अगर उसने कोई बेनिफिट ले लिया उसको वापस करना पड़ेगा, ठीक है ना। जो पार्टी अंडी इन्फ्लुएंस के अंदर पार्टी जो है ना उसकी मर्जी है, वो कोर्ट के हिसाब से फैसला होगा कि भाई वो बेनिफिट अगर उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रिसीव कर लिया है कि वो वापस करे या ना करे। तो सर ये पूरा रीड कर लें आप लोग, अंडी इन्फ्लुएंस और क्वेश्चन का डिफरेंस, तो उसके बाद 5 मिनट दे रहा हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़े सर। चले अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं सर, फ्रॉड का क्या हिसाब किताब होता है, कि फ्रॉड का ये हिसाब किताब होता है कि सामने वाली पार्टी को, सामने वाले की पार्टी की कंसर्न ऑब्टेन करना इस तरीके से कि मैं उसको धोखा दे दूं। सर कैसे, ये क्या बात हुई सर, जैसे कि सर मैं खुद सामने वाली पार्टी को एक प्रोडक्ट वो मुझसे परचेज करने आया, एक मुझ मेरे मेरे पास प्रोडक्ट परचेज करने आया, वो मेरा प्रोडक्ट है लेट सपोज सर लोकली परचेज, पाकिस्तान से बना हुआ है, मैं उसको बोलूं कि ये ना इम्पोर्टेड है, ये इम्पोर्टेड है, और वो मेरी बात में आ जाए, जबकि मुझे पता है, मुझे भी पता है कि ये लोकल ही है, मैं उसे जानबूझ के झूठ बोल रहा हूँ, जैसे कि वो मुझसे चीज खरीद ले, मैं अपने ऑब्जेक्ट के लिए मैं फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करूं, जानबूझ के मैं जानबूझ के गलत करेक्टरिस्टिक्स बताऊं अपने प्रोडक्ट के, अपनी चीज के, तो सर इसको फॉल्स अजर्शन बोला जाता है, कि मैं उसको बोलूं नोइंगली, मैं जानबूझ के, एक एक तो ये बात होती है ना कि मुझे भी नहीं पता तो वो मिस्टेकनली हो जाएगा, मैं उसको बोलूं कि यार ये जो है ना ये इम्पोर्टेड है, और ना ये इम्पोर्टेड है, और इसकी ना प्राइस जो होगी ना वो डॉलर्स के हिसाब से हमने परचेज की है, तो इम्पोर्ट हुआ है, कस्टम ड्यूटी लगी है, डबल प्राइस हो गई है, मैं तुम्हें ना 2 लाख से कम का नहीं देने वाला, लोकल ही चीज होती तो यार मैं 50,000 का दे देता, ये अच्छी चीज है, जबकि वो लोकल ही चीज है, सामने वाला मेरी बात में आ गया, मैंने उसको धोखा दे के किस ये कॉन्ट्रैक्ट में उसको राजी करवाया, एग्री करवाया, मैंने धोखा क्यों दिया, क्योंकि सर वो इस कॉन्ट्रैक्ट में एग्री कर जाए, वो अपनी मर्जी दे दे, लेकिन अगर मैं उसको सच बताता तो फिर वो इंडिपेंडेंटली सोच रहा होता। तो सर अगर मैं या तो मैं खुद नहीं, मैंने अपने एजेंट को अपॉइंट किया हुआ है, मैंने एक बंदे को अपॉइंट किया हुआ है, वो मेरे कहने पे चल रहा है, मेरे कहने पे सारे फैसले करता है, तो सर जो बंदा आपके कहने पे सारे डिसीजन ले उसको आपका एजेंट बोला जाता है, ठीक है ना। या तो आपने एजेंट को, अपने एजेंट को बोल दिया कि यार ये जो कस्टमर आ रहा है ना इसको बोल दियो कि ये जो है ना ये लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स नहीं है, ये जो है ना इम्पोर्टेड गुड्स है, तो आपने एजेंट के थ्रू सर धोखा दिलवा दिया। या तो सर जो बंदा परचेज करना करने आ रहा है वो खुद नहीं आया, उसने अपने एजेंट को भेज दिया, तो आपने जो परचेज करना आ रहा है कस्टमर उसके एजेंट को धोखा दे दिया। तो सर इन
सारे सर्कमटेंसेस में अगर मैं सामने वाले को अपने ऑब्जेक्ट्स के, अपने चीज के, मैं उसको गलत करेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ, ठीक है ना, नेचर गलत बता रहा हूँ, तो सर ये मेरा क्या हो जाएगा, फॉल्स असर्शन। सर इसके अलावा सर अगर मेरा, अगर फ्रॉड का दूसरा सर करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, एक्टिव कंसीलमेंट। सर एक्टिव कंसीलमेंट का क्या हिसाब किताब है, लेट सपोज सर मैं अपनी गाड़ी सेल कर रहा हूँ किसी बंदे को, मेरी गाड़ी का है, लेट सपोज सर मेरी गाड़ी पे ना टचअप है, मेरी गाड़ी लगी हुई है, ठीक है ना, मैंने अपनी गाड़ी को ना इस तरीके से पॉलिश करवा लिया, सब कुछ करवा लिया जैसे कि ना उसके टचअप वगैरह कोई नजर ना आए। मेरे पास ना एक कस्टमर आया, उसने बोला कि यार तुम्हारी जो गाड़ी है इस पे कोई टचअप है? मैंने बोला नहीं, इसमें बिल्कुल टचअप नहीं है, तुम चेक करवा लो, कहीं से भी तुम चेक करवा लो। उसने ना ठीक ठाक चेक करवाया लेकिन उसको टचअप नजर नहीं आए क्योंकि मैंने पॉलिश ही इसी तरीके से करवाया था, मैंने अपनी गाड़ी की सेटिंग ही इस तरीके से करवाई थी जैसे कुछ नजर ना आए। तो सर इसका मतलब कि आपने अपने ऑब्जेक्ट की, अपने चीज की नेचर तो सही बताई, करेक्टरिस्टिक तो सही बताई, लेकिन आपने ऑब्जेक्ट की वीकनेस नहीं बताई। फॉल्स अजर्शन में क्या हिसाब किताब है, फॉल्स अजर्शन और एक्टिव कंसीलमेंट में क्या फर्क है, ये दोनों सर फ्रॉड के एसेंशियल्स हैं, ये दोनों फ्रॉड के करेक्टरिस्टिक्स हैं कि फ्रॉड किस तरीके से किया जाता है। फॉल्स अजर्शन में ये है कि आप नेचर ही झूठी बताओ, आप करेक्टरिस्टिक्स ही झूठी बताओ कि आपका ऑब्जेक्ट है सर, आपकी जो चीज है वो लोकली है, आपने बोला मैन्युफैक्चरिंग है सर, वहां की इम्पोर्टेड है, ठीक है ना। लेट सपोज अगर पर मैं अगर ये बोल रहा हूं, जो ये तो हो गया फॉल्स अजर्शन, मैं अगर अपनी चीज में उसको इस तरीके से धोखा दे रहा हूँ कि मैंने सब कुछ सही बताया, हाँ यार ये लोकली मैन्युफैक्चर्ड है, मैंने लेट सपोज को सही बताया, हाँ यार ये लोकली मैन्युफैक्चर्ड है, लेकिन मैंने उसको ना क्या किया सर, लेट सपोज एक प्रोडक्ट पे एक्सपायरी डेट आ रही थी, मैंने एक्सपायरी डेट जो है ना वो छुपा दी, मैंने एक्सपायरी डेट जो है ना उस पर मार्कर घुमा दिया, अब सर वो एक्सपायरी डेट उसको पता ही नहीं लगेगी, ये मैंने कंसीलमेंट की, कोई बात कंसीलमेंट कर लेना, छुपा लेना, तो सर ये भी फ्रॉड में कवर हो रहा होता है। उसके बाद सामने वाली पार्टी से एम्प्टी प्रॉमिस भी फ्रॉड में कवर होता है, सामने वाली पार्टी से मेरी नेचर में, मैं ये सोच रहा हूँ सामने वाली पार्टी को, मैं कह रहा हूँ मेरे दिमाग में ये, मैंने सामने वाली पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि यार तुम ना मुझे BMW सेल कर लो, मैं तुम्हें ना 20 लाख रुपए दूंगा, उसने मुझे BMW सेल कर ली, लेकिन जब मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तब भी मेरे नियत में ये था ये मुझे जैसे BMW देगा मैं इसको 20 लाख रुपए दूंगा ही नहीं। मैंने उसको बोला कि तू ना मुझे BMW दे दे 2 दिसंबर को, ठीक है ना, मैं ना तुझे 4 दिसंबर को पैसे दे दूंगा। सामने वाले ने अपना प्रॉमिस पूरा कर लिया, 2 दिसंबर को BMW दे दी, उसके बाद मैंने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, तो सर ये भी फ्रॉड में कहलाया जाएगा। सर इसको बोला जाता है एम्प्टी प्रॉमिस, जो कॉन्ट्रैक्ट इस नियत से किया जाए कि मैं अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करूंगा, उसको एम्प्टी प्रॉमिस बोला जाता है। 3 बातें हो गई फ्रॉड के चक्कर में, एक फॉल्स अजर्शन, फॉल्स अजर्शन क्या, करेक्टरिस्टिक गलत बताना, नेचर गलत बताना, जो प्रोडक्ट है वो नहीं बताना, उसकी टाइप्स जो है ना वो आप जो है ना उसकी नेचर जो है डिस्क्रिप्शन आप गलत बता दो, ठीक है ना। लेट सपोज आपका मोबाइल है, उसके ना उस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि ये कौन सी कंपनी का मोबाइल है वो क्यू मोबाइल, आपने बोल दिया नहीं भाई ये तो सैमसंग है, ठीक है ना, मैं उस पर ना कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, एक गरीब को आपने बोल दिया, जाहिल बंदे को जिसको पता वता नहीं है, मोबाइल का यूजर नहीं है, कि ये ना सैमसंग का मोबाइल है। अब ये ना आप फॉल्स अजर्शन, आप उसको ना गलत बता के पैसे बढ़ा रहे हो, सैमसंग भाई मल्टीनेशनल कंपनी है, ब्रांड है, क्यू मोबाइल क्या लोकली है, तुम्हें तो इतने पैसे देने पड़ेंगे, तो ये फॉल्स अजर्शन आ जाएगी। तो पेपर के अंदर ना ये सवाल आ सकते हैं कि आपको एग्जांपल दिया जाए, बताओ फ्रॉड की कौन सी टाइप है, ये आप बोल दोगे फॉल्स अजर्शन जब नेचर गलत बताए जाए, करेक्टरिस्टिक गलत बताए जाए। लेकिन अगर मोबाइल के अंदर बैटरी खराब है, ठीक है ना, आपने क्या किया, बैटरी को ना इस तरीके से प्रिंट चार्ज वार्ज करके और सर पेंट वेंट करके, मतलब उसके इस तरीके से पैकिंग करके आपने उसको लगा दिया, उसने ना ठीक ठाक चेक किया फिर भी उसको ना पता नहीं चला, अब आपने क्या किया, ये कंसीलमेंट की कि आपने उससे वीकनेस छुपाई, तो सर इन दैट के ये एक्टिव कंसीलमेंट कहलाई जाएगी। एक होता है सर एम्प्टी परफॉर्मेंस, वो ये हिसाब किताब कि आपने सामने वाले से इस नियत से कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो जैसे प्रॉमिस परफॉर्म करेगा मैं रिटर्न में प्रॉमिस परफॉर्म ही नहीं करूंगा। तीसरी चीज क्या होती है, डिक्लेयर्ड बाय एक्ट,
कि जिस चीज को लॉ ने फ्रॉड करार दे दिया वो एक लिस्ट होती है लॉ की, ठीक है ना, तो सर वो फ्रॉड के अंदर आ जाएगी, ठीक है ना सर। चौथी चीज ऐसी है कि फिटेड एक्ट कि आप कोई भी ऐसी चीज करो कि सामने वाले को धोखा दे दो तो सर वो फ्रॉड के अंदर आ जाएगी। चौथी चीज जो है वो ये है कि अगर जो हमने कॉन्ट्रैक्ट एक के अंदर कवर नहीं कर सके और रियल में धोखा था तो वो भी फ्रॉड ही कहलाया जाएगा, ठीक है ना। तो सर चार बातें हैं, ठीक है ना, इन चार, ये पूरा पेज फ्रॉड वाला देख लें, ये पेज नंबर, ये जो है ना ये पूरा रीड कर लें आप, ठीक है, पेज नंबर 66। उसके बाद एसेंशियल्स ऑफ फ्रॉड हम करते हैं। चले सर अब हम पढ़ने जा रहे हैं एसेंशियल्स ऑफ फ्रॉड। एसेंशियल्स ऑफ फ्रॉड क्या होता है? पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। फ्रॉड हमेशा कौन करेगी? सर फ्रॉड हमेशा करेगी जो पार्टी इन्वॉल्व होगी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन्वॉल्व होगी वही फ्रॉड करेगी। लेट सपोज मिस्टर ए और बी कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, मिस्टर ए और बी कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक पार्टी है सी जिसका कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना ही नहीं है तो सर वो फ्रॉड करे, भाई नहीं। हमेशा फ्रॉड कौन करेगी? कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टी जिसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ होगा वही फ्रॉड कर सकती है। ये एक बेसिक सी बात है सर, जाहिर सी बात है कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टी फ्रॉड करेगी ना। ऐसे नहीं कि जिस पार्टी का फ्रॉड के अंदर काम ही नहीं था, जैसे स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, उसको बोला जाएगा स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, सी पार्टी या डी पार्टी या ई पार्टी, ठीक है ना, जिसका काम ही नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ दो पार्टीज के दरमियान, ए और बी के दरमियान, तो या तो ए फ्रॉड करेगा या तो बी फ्रॉड करेगा, या तो ए के कहने पे ए ने बी को कहा कि यार तुम ना मुझसे क्या कर लो, सिमिट ले लो, तुम ना मुझसे क्या कर लो कि सिमिट ले लो और मैं तुम्हें ना सिमिट जो है ना वो सर पाक क्या करूंगा कि पाक सिमिट की ना मैं तुम्हें सिमिट दे दूंगा। अब बी एग्री हो गया, अब ए ने क्या किया, ए ने क्या किया, पाक सीमेंट की थी, उसमें जो सीमेंट डलवा दी ना वो जील पाक की डलवा दी, पैकिंग जो थी वो पाक सीमेंट की थी, उसके अंदर उस पैकिंग के अंदर जील पाक की सीमेंट डलवा दी, और ये किससे डलवाई, अपने एजेंट से डलवाई और अपने एजेंट को बोला कि तू जाके दे के आ जा। अब सर ये तो फिर ए ने फ्रॉड किया ना, सर ए ने तो फ्रॉड किया लेकिन ए के एजेंट ने भी फ्रॉड किया, किसके कहने पे, कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टी के कहने पे फ्रॉड किया, तो ये भी फ्रॉड ही माना जाएगा। लेकिन कोई पार्ट सी पार्टी ऐसी है लेट सपोज जिसका ना ए से रिलेशनशिप है जिसका ना बी से रिलेशनशिप है, तो सर वो अगर कोई बात करे तो वो फ्रॉड कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो सर अब ये हिसाब किताब है। फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, ये वही जो बात ऊपर पढ़ के आए कि सर मैं सामने वाले को गलत बात बता दूं, अपने फॉल्स अजर्शन, मैं अपने प्रोडक्ट के लिए कोई गलत चीज बताऊं, कोई गलत करेक्टरिस्टिक बताऊं, तो वो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन के आ जाएगा। रिप्रेजेंटेशन एज टू फैक्ट, सर ये हिसाब किताब क्या है कि मैं कोई भी रिप्रेजेंटेशन करूं ना, कोई भी अगर धोखा दे रहा हूं ना तो अपने ऑब्जेक्ट के लिए दे रहा हूं, ठीक है ना, कोई भी धोखा दे रहा हूं तो किसके लिए दे रहा हूं, अपने ऑब्जेक्ट, अपनी चीज के लिए जो मैं सेल करने जा रहा हूं। पर अगर मैं ओपिनियन दे रहा हूं ना, कोई मुझसे आके पूछे कि मैं लेट सपोज सर शॉपकीपर हूं, मोबाइल सेल करता हूं, मोबाइल डीलर हूं, मुझसे अगर कोई आके पूछे कि यार आप ना सैमसंग का मोबाइल लोगे, यार मुझे ना कौन सा मोबाइल लेना चाहिए, सैमसंग लेना चाहिए आईफोन लेना चाहिए, तो मैं उसको बोलूंगा यार मेरी अगर माने तो आप ना सैमसंग का ले लें, मेरी अगर आप माने तो सैमसंग का ले लें। अब ये ना मैंने उसको ओपिनियन दिया, ये मैंने उसको ओपिनियन दिया, तो ओपिनियन कभी भी फ्रॉड के अंदर कंसीडर नहीं किया जाता। सामने वाला कभी भी जिसको मैंने ओपिनियन दिया, कल उसका सैमसंग का मोबाइल खत्म हो गया, कल उसका सैमसंग का मोबाइल खराब हो गया, तो वो सामने वाला मेरे ऊपर आके केस कर दिया, यार तुमने तुम्हारे ओपिनियन पे ना मैंने सैमसंग लिया था, तो तुम जो है ना, तो तुम पे मैं केस करूंगा, ये तुमने ना मुझे गलत एडवाइस दी। तो कभी भी ओपिनियन जो है ना वो इस नेचर का नहीं होता कि सामने वाले को मैं पकड़ के जानबूझ के उसकी कंसर्न ले रहा हूँ, ओपिनियन कभी भी फ्रॉड नहीं होगा। लेकिन अगर सामने वाले को मैं ये बताऊं सैमसंग की स्क्रीन टूटी हुई है पर मैं उसको ना इस तरीके से स्क्रीन को बना दूं, या नहीं ये बड़ा अच्छा मोबाइल है, ये सैमसंग का मोबाइल बड़ा आला मोबाइल है, या क्यू मोबाइल को सैमसंग बना दूं, तो सर ये रिप्रेजेंटेशन गलत बात होगी।
ठीक है ना, मैं अपने ऑब्जेक्ट के लिए कोई बात करूं तो ये गलत बात होगी। दूसरी चीज, अगर मैंने फ्रॉड करने की कोशिश की पर सामने वाली पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ, अगर मैंने फ्रॉड करने की कोशिश की कि वो क्या करे कॉन्ट्रैक्ट में अंदर आ जाए, जैसे कि मैंने अपने कस्टमर को बोला कि ये मोबाइल रियल में क्यों मोबाइल का है, मैंने उसको बोला कि ये सैमसंग का मोबाइल है, अब मैं धोखा देने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सैमसंग का मोबाइल है ये ले लो, लेकिन कस्टमर ने लिया नहीं मुझसे, तो सर ये क्या फ्रॉड में बात आ जाएगी? सर आपने, मैंने फ्रॉड करने की कोशिश की लेकिन उसने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, उसने जाके मुझ पे केस कर दिया, केस ने ना मुझसे ऐसे झूठ बोला, तो सर मुझे कुछ भी नहीं होगा। क्यों कुछ भी नहीं होगा? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ ही नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ ही नहीं। पर अगर मैं उसको बोलता कि ये क्यों मोबाइल, ये जो है ना असल में रियल में क्यों मोबाइल का मोबाइल था, मैंने उसको बोला कि ये सैमसंग का मोबाइल है और उसने मान के मुझसे मोबाइल परचेज कर लिया, सर अब ये फ्रॉड कहलाया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, प्रूव ये हुआ कि अगर मैं फ्रॉड करने की कोशिश करूं पर सामने वाली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं हुई, तो वो मुझ पे केस नहीं कर सकती, वो मुझ पे केस नहीं कर सकती। हाँ, पर अगर सामने वाली पार्टी मेरे धोखे में आ गई, मेरी बातों में आ गई और एंटर हो गई, तो सर इन दैट केस वो फ्रॉड कहलाया जाएगा। सफर्ड अ लॉस, सर सफर्ड अ लॉस इसका मतलब कि जिस पार्टी से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, जिस पार्टी से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसको फ्रॉड के थ्रू आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर किया, उसको नुकसान हो गया, उसको नुकसान। सर नुकसान कैसे होगा? लेट सपोज लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आपने उसको इम्पोर्टेड गुड करके सेल किए, तो सर और उससे आपने पैसे ज्यादा ले लिए, लोकली के इतने ज्यादा नहीं देते, सब इम्पोर्टेड के नाम से सेल किए, आपने उससे 25,000 रुपए ज्यादा ले लिए इम्पोर्टेड के नाम पे, तो सर उसको 25,000 का नुकसान हो गया। मैंने सामने वाले को क्यू मोबाइल का मोबाइल सैमसंग करके सेल कर दिया, सैमसंग का करके मैंने उससे ज्यादा पैसे ले लिए, मैंने टूटी हुई स्क्रीन अच्छी लगा के मैंने उसको बोला ये जो है ना मोबाइल पे के ये खुला हुआ नहीं है, तो इस तरीके से करके मैंने सामने वाले से ज्यादा पैसे ले लिए, तो ये सामने वाले को नुकसान हो गया। सर कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड करने से कॉन्ट्रैक्ट पे क्या फर्क पड़ता है? सर फ्रॉड करने से जिस पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सर जिस पार्टी के साथ फ्रॉड हुआ उसके हाथ में है कि या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दे, इनवैलिड कर दे, लेकिन उसको फिर कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर, किसके पास होगा? एग्री पार्टी के पास, जिसके साथ फ्रॉड हुआ उसको प्रूव करना होगा कि कैसे उसके साथ फ्रॉड हुआ। या तो सर वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दे, वॉइडेबल होगा उसके पास ऑप्शन, या तो कॉन्ट्रैक्ट को चलने दे। सर अगर वो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को चलने दे दे सकती है, तो वो जिस पार्टी ने उसके साथ फ्रॉड किया था उसको इंसिस्ट कर सकती है, उसको जोर दे सकती है, उसको दबाव डाल सकती है कि बेटा मैंने तो अपना प्रॉमिस पूरा किया, तुझे भी अब अपना प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा। जी सर बिल्कुल कर सकती है, जैसे एम्प्टी प्रॉमिस वाला हिसाब किताब था, BMW तो 2 दिसंबर को डिलीवर हो गई, अब सामने वाला प्रॉमिस अपना परफॉर्म नहीं कर रहा, तो सर मैं कोर्ट में जाके केस कर सकता हूँ कि इसने ना मेरे साथ फ्रॉड किया, इसने एम्प्टी परफॉर्मेंस जो है ना एम्प्टी प्रॉमिस मेरे साथ किया। तो कोर्ट बोलेगी अब आप क्या चाहते हो, या तो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करें, आपको BMW वापस दे दें, या तो इससे भी परफॉर्म करवा लें, इससे परफॉर्म मतलब इसने आपको वादा किया था 20 लाख देने के लिए, अब मेरे हाथ में या तो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दूं, या तो बोलूं कोर्ट को नहीं नहीं इसको बोलो कि मैंने BMW दे दी, अब 20 लाख रुपए ना मुझे दे दे, तो मैं इंसिस्ट कर सकता हूं, ठीक है ना। दूसरी चीज, जिस पार्टी के साथ नुकसान हुआ, जिस पार्टी के साथ फ्रॉड किया गया, अगर फ्रॉड होने की वजह से उसको जो भी लॉस हुआ वो सामने वाली पार्टी से जिसने फ्रॉड किया उससे डैमेजेस जितना नुकसान हुआ वो उसे रिकवर कर सकती है, वो उसे रिकवर कर सकती है कोर्ट के थ्रू। तो सर ये आप जो है ना ये पढ़ लें, इफेक्ट्स ऑफ फ्रॉड, ये एसेंशियल्स एंड इफेक्ट ऑफ फ्रॉड पढ़ लें, तो फिर हम आगे बढ़ें। सर कब कॉन्ट्रैक्ट जो है खत्म नहीं हो सकता, रिजाइन नहीं हो सकता? अगर एग्री पार्टी केस भी कर दे कोर्ट के अंदर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म नहीं हो सकता? लेट सपोज सर मैं गया किसी शॉपकीपर के पास, मैंने उससे पूछा ये बता कि ये जो मैं उससे ना फर्नीचर लेने चला गया, मैंने उससे क्या किया, मैंने फर्नीचर वाले से पूछा ये जो तेरा फर्नीचर है ये कहीं से डैमेज तो नहीं है? फर्नीचर वाले खामोश रहा,
फर्नीचर वाला खामोश रहा, उसने एक लफ्ज भी नहीं बोला। अब फर्नीचर वाले ने सिर्फ बोला मुझे कि आप चेक करवा लो, फर्नीचर वाले ने बस मुझे बोला कि आप चेक करवा लो। और मेरे पास, अगर मैं चेक करवाता, अगर मैं कोशिश करता चेक करवाने की, ठीक है ना, अगर मैं कोशिश करता चेक करवाने की, तो सर उसके अंदर डिफेक्ट 100% चांस था कि पता चल जाता। दोबारा सुनिए, इन सिचुएशन के अंदर, इन 5 केसेस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट भले फ्रॉड हो चुका हो, लेकिन जो है ना सर, कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो सकता। मैं फर्नीचर वाले के पास गया, मैंने पूछा ये जो फर्नीचर मैं तुमसे ले रहा हूं, क्या इसके अंदर भी कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई टूटा हुआ फर्नीचर तो नहीं है ये? वो ना खामोश रहा, उसने चुप कुछ भी नहीं बोला। मैंने क्या किया सर, मैंने उस फर्नीचर को चेक नहीं करवाया, मैं किसी कारपेंटर वगैरह से, किसी भी बंदे से चेक करवाता या खुद ही चेक करता तो डिफेक्ट पता चल जाता। मैंने, मेरे पास मौका था मैं चेक करवाऊं, और चेक करवाता तो वीकनेस मिल जाती। मैंने क्या किया सर, फर्नीचर लाके घर में रख दिया, उसके बाद में मुझे पता लग गया और पैसे दे गया, उसके बाद में 2-3 दिन के बाद पता लगा ये तो डिफेक्टिव है, तो क्या आप, मैं केस कर सकता हूँ? सर आप केस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सर उसने आपको नहीं कहा कि ये डिफेक्टिव है, उसने आपको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दी, और आपके पास पूरा मौका था कि आप चेक करके चीज लो, आपने चेक करके चीज नहीं ली। अगर आप चेक करके लेते तो सर वो आपको पता चल जाता कि ये डिफेक्टिव पीस है कि नहीं। कभी भी साइलेंस फ्रॉड में कवर नहीं होती। कभी भी सामने वाली पार्टी जो फ्रॉड कर रही है, अगर वो चुप है, अगर वो कुछ भी नहीं बोलती, तो सर कभी भी साइलेंस को, जिसको आपने फ्रॉड का केस किया है, जिसके ऊपर आपने फ्रॉड का केस किया है, कभी भी सर अगर वो चुप है तो आप उसको फ्रॉड में कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब आप उससे कोई सवाल पूछ रहे हैं, वो आपको जवाब नहीं दे रहा, तो सर वो कभी भी फ्रॉड में कंसीडर नहीं होगा। इसका मतलब आपने खुद से अज्यूम कर दिया है। सर अगर मैं गया किसी बंदे के पास, मैं गया के BMW लेने गया, मैंने पूछा सर शोरूम वाले से इसके BMW में कोई टचअप तो नहीं है, कोई मेजर एक्सीडेंट तो नहीं है? उसने बोला नहीं 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 है। अब हुआ क्या, मैंने पकड़ लिया कि इसके ना सर जो दरवाजा है डोर वाली साइड, आगे वाला डोर वो लगा हुआ है, उसका एक्सीडेंट किया हुआ है, लेकिन इन्होंने सेट करवा लिया। मैंने पकड़ लिया, लेकिन सर मैंने उसको बोला नहीं, मुझे पता है कि ये मुझसे झूठ बोल रहा है, ये मुझसे फ्रॉड कर रहा है। जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो मुझसे फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, और मुझे भी पता लग गया है कि ये मुझसे फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, सही है ना? अगर नहीं पता होता तो फिर मैं एग्रीड पार्टी होता, फिर मैं मासूम होता। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जब मुझसे कंसर्न ली जा रही है, मुझे पता लग गया है कि ये मुझसे फ्रॉड कर रहा है, और मैंने उसके फ्रॉड को इग्नोर करके मैंने क्या किया, ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो अब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को सर खत्म नहीं कर सकता। तीसरी चीज सर, कॉन्ट्रैक्ट मुझे पता लग गया था कि ये फ्रॉड है, उसके बाद भी मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फायदा लिया, इस कंसीडरेशन ली। जरूर कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त दोनों पार्टीज को, कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टीज को फायदा हो रहा होता है ना, बेनिफिट्स हो रहा होता है ना, कंसीडरेशन मिल रही होती है। मुझे पता था ये कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने कर लिया ये फ्रॉड वाला है, कॉन्ट्रैक्ट मैंने कर लिया। एक तो है कि कॉन्ट्रैक्ट से पहले मुझे पता लगा, उसके बाद मैंने कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले ही मुझे पता था कि ये फ्रॉड हो रहा है मेरे साथ, फिर भी मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया। एक तो ये बात है कि कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले मुझे पता नहीं लगा, ये अलग दूसरी बात बता रहा हूं। एक तो ये बात है, दो बातें। एक बात ये है कि कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले, कंसेंट देने से पहले, मेरी एक्सेप्टेंस करने से पहले मुझे पता लग चुका है कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, फिर भी मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को जानबूझ के एक्सेप्ट किया। मुझे पता है कि BMW पे टचअप है, सामने वाला झूठ बोल रहा है कि नहीं इसमें कोई टचअप नहीं है, अब भी मैं जानबूझ के मैं क्या कर रहा हूं, एक्सेप्टेंस दे दी, तो सर अब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो सकता। दूसरा केस क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट जब हो रहा था, जब मैं एक्सेप्टेंस दे रहा था, तब मुझे पता नहीं था कि ये फ्रॉड है, मैंने एक्सेप्टेंस मासूम होके दे दी।
लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हो जाने के बाद मुझे बाद में पता लगा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, ये मेरे साथ फ्रॉड किया गया है। लेकिन जब परफॉर्मेंस हो रही थी ना, अभी परफॉर्मेंस हुई नहीं थी, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दोनों पार्टी ने परफॉर्मेंस नहीं की थी। जब परफॉर्मेंस हो रही थी सामने, मुझे पता है कि कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड हुआ है, और फ्रॉड पता होने के बावजूद भी मैंने कंसीडरेशन रिसीव की, मैंने सर बेनिफिट्स रिसीव किए। जब भी कॉन्ट्रैक्ट सर खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि जब तुझे पता था कि फ्रॉड हो चुका है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उसके बाद भी तुमने बेनिफिट्स क्यों लिए? अगर तुमने बेनिफिट्स लिए अब इस कॉन्ट्रैक्ट को चलाओ, अगर तुम्हें, वरना तो उसी वक्त तुम शोर कर देना बेनिफिट लेने से पहले कि भाई नहीं नहीं इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करो। सर उसके बाद जो सर कॉन्ट्रैक्ट इस नेचर का है, कॉन्ट्रैक्ट इस नेचर का है कि अब जो दोनों पार्टीज को नुकसान हो चुका है ना, जो एक पार्टीज को नुकसान हो चुका है ना, अब वो पहले वाली पोजीशन पे नहीं हो सकते। अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब सर कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो पहले वाली, अब मैं, हम पार्टीज को वैसे ही होता है ना कि दोनों ने जो बेनिफिट्स ले लिए उन सबको, दोनों को वापस कर लो, या जिस जिसने जिस जिसको लॉस हुआ वो सामने वाले का लॉस सेटल कर दे। लेकिन अगर लॉस सेटल ना हो सके, अगर लॉस सेटल ना हो सके, अगर सर ऐसी इस तरीके के सर्कमटेंसेस हैं कि जो उनकी ओरिजिनल पोजीशन थी, जो कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले उनके हालात थे, वो बहाल ना हो सके, वो पहले वाली पोजीशन पे ना जा सके, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का कोई फायदा ही नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म होता है कि जो पार्टी एग्री पार्टी है, इनोसेंट पार्टी है, हम उसको उसके जो कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले हालात थे, जो उसको नुकसान हुआ वो उसको वापस कर सके। तो सर ये हिसाब किताब है, आप सर ये रीड कर लें तो फिर हम सर आ जाए, अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। सर कभी भी, अब देखो, कभी भी साइलेंस फ्रॉड, सामने वाली पार्टी की जो साइलेंस है ना, वो अगर चुप है, वो आपको अपने प्रोडक्ट के लिए, आप किसी से प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, आप किसी से कोई भी ऑब्जेक्ट लेने जा रहे हैं, कोई भी गुड लेने जा रहे हैं, अब अगर आप उससे कुछ कोई भी बात पूछ रहे हैं ना, तो वो आपको जवाब नहीं दे रहा, वो साइलेंस है, चुप है, साइलेंट है, ठीक है ना। तो सर वो साइलेंट ना कभी भी फ्रॉड नहीं कहला जाएगा। लेट सपोज आपने उसे पूछा कि यार के ये जो प्रोडक्ट है क्या एक्सपायर्ड है, उसने आपको जवाब नहीं दिया। यार ये जो प्रोडक्ट है क्या ये लोकली मैन्युफैक्चर्ड है या इम्पोर्टेड है, उसने आपको जवाब नहीं दिया, ठीक है ना, वो चुप रहा। तो सर कल को आप वो प्रोडक्ट परचेज करके लेके गए और आपको पता लग, आप इम्पोर्टेड अज्यूम करके, अपने तरफ से इम्पोर्टेड अज्यूम करके लेके चले गए, कल को आपको पता लगा किसी से कि ये तो लोकली था, आपने उस पर केस कर दिया, तो सर आप उस पर केस नहीं कर सकते, क्योंकि साइलेंस कभी भी फ्रॉड नहीं कहलाई जाएगी, नहीं कहलाई जा सकती। क्योंकि बेटा ये तो तुम्हारे दिमाग का मसला है ना कि तुमने क्यों अज्यूम किया, तुम उससे नहीं लो चीज, तुम्हें हमने कहा है कि चीज ले लो उससे, ठीक है ना। अब सर साइलेंस जो होगी वो कब फ्रॉड बनेगी, जब फ्यूडिशरी रिलेशनशिप होगा दोनों पार्टीज के दरमियान, जब दो पार्टीज के दरमियान फ्यूडिशरी रिलेशनशिप होगा, ट्रस्ट का रिलेशनशिप। जैसे के सर मैंने अपने एजेंट को रखा हुआ है, मैंने अपने एजेंट को रखा हुआ है कि तू ना मेरे कारोबार को संभाल, ठीक है ना, मेरे बिजनेस को संभाल। अब एजेंट एक कॉन्ट्रैक्ट लेके आ गया मेरे पास, अब मुझे ना मेरे और एजेंट के दरमियान फ्यूडिशरी रिलेशनशिप है, ट्रस्ट का रिलेशनशिप है। मेरे पास एजेंट एक कॉन्ट्रैक्ट लेके आ गया, ठीक है ना, मैंने अपने एजेंट से पूछा, मेरे एजेंट को पता है इसके अंदर वीकनेसेस है, इस प्रोडक्ट के अंदर जिस चीज का कॉन्ट्रैक्ट लेके आ गया ना मेरे साइन करने के लिए, सर आप इसको एक्सेप्ट कर दें, मैं अपने एजेंट से पूछ रहा हूँ इसके अंदर कोई नुकसान तो नहीं है, वीकनेसेस तो नहीं है, डैमेज तो नहीं है, ये जो प्रोडक्ट हम परचेस करने जा रहे हैं अपने कारोबार के लिए, मेरे एजेंट को पता है कि इसके अंदर वीकनेसेस है, इसके अंदर ये प्रोडक्ट जो हम ले रहे हैं ये डैमेज है, उसका काम है मुझे बताना, क्योंकि फ्यूडिशरी रिलेशनशिप है। लेकिन उसने जानबूझ के जवाब ही नहीं दिया, वो चुप रहा। तो सर अब तो मैं, अगर वो चुप रहा अब तो मैं यही अज्यूम करूंगा ना यार, अगर होता तो ये मुझे बताता और मैंने साइन कर लिया। तो सर अगर क्योंकि सर एजेंट का काम है मुझे बताना, जहां पे सर दो केसेस हैं, जहां पे सामने वाले की जिम्मेदारी है बताना, तो सर वहां पे भले वो चुप रहे तो वो फ्रॉड कहला जाएगा, जहां पे सामने वाले की जिम्मेदारी नहीं है बताना तो सर वो भले चुप रहे वो फ्रॉड नहीं कहला जाएगा। लेट सपोज क्योंकि मैंने एजेंट को पैसे ही इस वजह से दे रहा हूँ, अपॉइंट ही मैंने इसी वजह से किया है कि तू मुझे हर बात बता दे,
ठीक है ना, अगर वो वहां पे चुप रहा तो सर ये उसने फ्रॉड किया और उसको पता था कि ये मैं मुझे बताना चाहिए, लेकिन अगर जिसको मैं पैसे ही नहीं दे रहा हूँ, जिसको मैंने इस चीज के लिए अपॉइंट ही नहीं किया, जो मेरा बंदा ही नहीं है, जिसके साथ मेरी कोई फिडिशरी रिलेशनशिप ही नहीं है, अगर वो चुप रहा तो सर ये चीज फ्रॉड में नहीं आएगी। सर ये एग्जाम्पल्स आप पढ़ लेना, आज के लिए यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।